इसी तरह से इस सिलसिले में तीसरी चीज़ यह है कि एक आदमी जब मर जाता है तो उसकी मौत के बाद उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहे और उसके मकाम को बुलंदी मिले आखिरत में अल्लाह के यहाँ, तो उसको चाहिए कि अपने बाद वो नेक औलाद छोड़े। और नेक औलाद छोड़ने का मतलब ये नहीं कि कोई बटन दबा दें कि औलाद नेक हो जाती है, कि जैसे हम यहाँ पर अंधेरा उजाला बटन दबा के करते हैं। ज़िंदगी में अंधेरा और उजाला इस तरह से नहीं होता है, अंधेरे से उजाले में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। तो औलाद को बनाने के लिए जैसे पेड़ के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, बराबर पानी डालना उसको और उसकी निगरानी करना, बकरी से बचाना, सब कुछ ध्यान देना पड़ता है, तब जाके पेड़ पेड़ बनता है, पौधे से बीज से लेकर वो पेड़ तक जाता है। इसी तरह से औलाद के सिलसिले में भी आपको निगरानी करना चाहिए। यहाँ पर अगर नेक औलाद इंसान अपने बाद छोड़ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आप फरमाते हैं इदा मात अल इंसान इन क़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन थलाथा, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सिवाय सदक़े जारिया के, यानी ऐसा सदक़ा जो आदमी के बाद बाकी रहे, मिसाल के तौर पर कुआँ खुदवा दिया, पेड़ लगवा दिया, या कुछ और चीज़ ऐसी छोड़ दी कि उससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, आदमी मर जाए लेकिन उसका सदक़े वाली चीज़ बाकी रहे, इसका सवाब मरने के बाद भी मिलता है। औ इल्म युन्तफ़ बिही, या फिर अपने बाद ऐसा इल्म छोड़ जाए जिसका फ़ायदा दूसरों को होता रहे, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे वो दीन का इल्म हो, अगर ऐसा इल्म छोड़ जाता है जिससे फ़ायदा लोगों को होता है तो ये भी सवाब की चीज़ है। जितने लोग उस इल्म से फ़ायदा उठा के अमल करेंगे या अपनी इस्लाह करेंगे, जो भी फ़ायदा उनको होगा उसका सवाब इसको मिलता रहेगा। औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, या अपने बाद नेक औलाद छोड़ जाए जो उसके लिए दुआ करती रहे। जाहिर बात है यहाँ पर नेक की कैद इस एतबार से है, यहाँ नेक क्यों, यहाँ ये क्यों नहीं कहा गया कि अपने बाद औलाद छोड़ जाए जो दुआ करें, वजह उसकी ये है दो एतबार से। एक तो ये कि नेक औलाद ही वाकई वालदैन का हक़ जानती है और उनके मरने के बाद उनके लिए खैर की दुआ करती है। अगर दुनियादार किस्म की औलाद हो तो वालदैन की शिकायत बाद में करेगी, अगर उन्होंने जायदाद पीछे नहीं छोड़ी तो कहेंगे काश कि वो जायदाद कुछ छोड़ जाते तो हमारा काम तो बनता, तो बजाय उनका शुक्र करने की शिकायत करेंगे, बजाय दुआ देने के उनके लिए कोसने वाले बनेंगे। दूसरी ये कि अगर वो दीनदार नहीं है और हलाल हराम की तमीज़ इंसान नहीं करता है, ख़ुद उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दूसरों के बारे में वो क्या दुआ करेगा, वो ख़ुद अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। तो इस एतबार से अपने बाद अगर आदमी नेक औलाद छोड़ जाए उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है औलाद की, नेक होने की वजह से, और नेक होने की वजह से वो वालदैन का हक़ भी जानेगी, ऐसी औलाद वालदैन के लिए दुआ करेगी। तो इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस से मालूम होता है कि नेक औलाद पीछे छोड़ जाना इंसान की कामयाबी के असबाब में से एक सबब है।